शाम के समय चाय के साथ नाश्ता खाना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर लोग इन्हें खाने से बचते हैं। इसकी वजह ये होती है कि ये तेल में तले होते हैं और काफ़ी सारा तेल सोख लेते हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्हें नाश्ता खाना तो पसंद है लेकिन तेल में तला हुआ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो हमारी आज की ये रेसिपी आपके लिए ही है। ये जो रेसिपी है इसे हम बिना तेल में बनाने वाले हैं। तो चलिए इस रेसिपी को फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले 2 से 3 आलू लेना है। उसको हम लोग कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे तो उसे अपने हाथों से मसल भी सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च जिसे हम लोग चिली फ्लेक्स बोलते हैं। फिर हम डालेंगे इसमें हरी धनिया, हरी मिर्च, गरम मसाला, आमचूर, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डालेंगे। और हाँ, स्वाद अनुसार नमक डालना ना भूलें। इन सारी चीज़ों को डाल के हम लोग इसे मिला लेंगे। इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा टमाटो सॉस या टमाटर की चटनी भी डाल सकते हैं। अब हम इसे अपने हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे और एक डफ की तरह लगा लेंगे। इसके बाद हमें लेनी है ब्रेड। ब्रेड को हम लोग किसी बर्तन की मदद से गोल आकार का काट लेंगे। इसे गोल आकार का काटने के बाद हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाएंगे। बटर लगाने के बाद हमने जो स्टफिंग आलू की तैयार की है ना, उसको डाल देंगे। इसे भरते हुए आप जो इसकी किनारी है उसे थोड़ा सा छोड़ दें। इसे भरने के बाद हम लोग बेसन का घोल तैयार करेंगे। बेसन का घोल तैयार करने के लिए बेसन लेंगे हम लोग, यहाँ पे 3 से 4 चम्मच लगभग लिया है। इसमें हमने नमक, हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ी सी अदरक घस के डाल दी है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक घोल तैयार कर लेंगे। इसका घोल तैयार करने के बाद आपने जो अभी ब्रेड की स्टफिंग डाल के तैयार की हुई है उसे हम लोग बेसन के घोल में डालेंगे और अच्छे से लपेट लेंगे। हम लोग इसे फ्राई बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, हम लोग इसे स्टीम करेंगे, जिसके लिए हमने एक बर्तन में पानी चढ़ा रखा था। वो पानी जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम लोग जो है हमारा तैयार किया हुआ नाश्ता है उसके स्टीम करने के लिए चढ़ा देंगे। हमने इसे स्टीम करने के लिए एक ऐसी छन्नी ली है जिसमें छेद किए हुए हैं। अब हम लोग एक एक करके इसको डाल देंगे। इसे स्टीम होने के लिए लगभग 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है। आप जब 10-15 मिनट हो जाए इसके बाद कोई लकड़ी या कोई टूथपिक डाल करके एक बार चेक कर लें। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और तो इसे बनाने के लिए हमें बिल्कुल भी तेल का कोई भी उपयोग नहीं होता है। यदि आप भी उन लोगों में से है जिन्हें तेल खाने से डर लगता है तो आप ये जो डिफरेंट टाइप की रेसिपी है या डिफरेंट टाइप की ट्रिक है उसी तरीके से आप बनाइए और इस नाश्ते को एंजॉय कीजिए। वैसे तो आप इसे चाय के साथ खाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगते हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो हरी चटनी और सॉस के साथ भी ये खा सकते हैं। इस रेसिपी को आप एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से जैसे ही कोई नई रेसिपी अपलोड होती है आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी और तो आपकी कोई भी नई रेसिपी बिल्कुल भी मिस नहीं होगी। इस वीडियो से जुड़ी यदि आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगी आपको। ये जो रेसिपी है ये एकदम नई रेसिपी है।